हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको वर्ड पावर और टिक द करेक्ट ऑप्शन पढ़ाया था चैप्टर 8 का, आज हम उसका एक्सरसाइज बी करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी ई और ऐसे लाइनिंग करके। इसमें जो स्टेटमेंट आपको सही लगता है आप उसको, ट्री का फर्स्ट लेटर टी है ना, आपको वो वहाँ पर मार्क कर देना है। और अगर आपको वो गलत लगता है, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट नहीं रॉन्ग है स्टोरी के हिसाब से, तो आपको फॉल्स का फर्स्ट लेटर एफ उसको कैपिटल में लिख देना है। स्टार्ट करें या फिर से आप समझ लीजिए इसको क्या करना है। जैसे ट्रू फॉल्स है, हमने पहले ही अपना वर्ड पावर कर चुका है द किंग एंड द कोकोनट ट्री चैप्टर 8 का वर्ड पावर कर चुके हैं और करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। और बचा हुआ है हमारा ये ट्रू फॉल्स, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और अगर वो आपको सही लगता है तो आप ट्रू का फर्स्ट लेटर टी ऐड कर दीजिए, और अगर आपको वो स्टेटमेंट गलत लगता है तो आप फॉल्स का फर्स्ट लेटर एफ वहाँ पर ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ए, किंग त्रिशंकु हैड अ डिज़ायर टू गो टू हेवन। सॉरी, किंग त्रिशंकु हैड अ डिज़ायर टू गो टू हेवन। किंग त्रिशंकु की, राजा त्रिशंकु की स्वर्ग में जाने की इच्छा थी। ट्रू, हाँ स्टोरी के हिसाब से देखो, हमने जैसे कि यहाँ पर पहले से ही ट्रू फॉल्स लिख दिया है, लेकिन आपको अपनी सेपरेट कॉपी में अच्छे से लिखना है ताकि गलत ना हो और आपको उसको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। किंग त्रिशंकु हैड अ डिज़ायर टू गो टू हेवन, राजा त्रिशंकु की इच्छा थी कि वो स्वर्ग में जाए। ट्रू, हाँ उसकी इच्छा तो थी ही स्वर्ग में जाने की। नेक्स्ट बी, सेज विश्वामित्रा डिड नॉट हेल्प हिम टू फुलफिल हिज डिज़ायर। सेज विश्वामित्रा, साधु विश्वामित्र जो थे वो अपनी पूरी इच्छा से पूरी मनसा से उन्होंने राजा त्रिशंकु की हेल्प नहीं की। कहाँ, उन्होंने तो बगैर उनसे पूछे उन्होंने खुद ही हेल्प करने के लिए पहले से ही जो है कि वो डिसाइड कर चुके थे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप क्या करेंगे, फॉल्स का एफ फर्स्ट लेटर एफ उसको आप कैपिटल लेटर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सी, विश्वामित्र परफॉर्म्ड अ यज्ञ। विश्वामित्र ने एक यज्ञ का आयोजन किया, एक यज्ञ प्रारंभ किया। हाँ, विश्वामित्र ने एक यज्ञ प्रारंभ किया था साधु विश्वामित्र ने। तो हम ब्रैकेट में, अगर यह स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है स्टोरी के हिसाब से, अगर ये सही है तो आप यहाँ पर ट्रू का फर्स्ट लेटर टी ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट डी, इंद्र थ्रू त्रिशंकु डाउन टुवर्ड्स अर्थ। इंद्र ने त्रिशंकु को धरती पर धक्का दिया, धरती नीचे पर नीचे की तरफ फेंक दिया उसे। हाँ, इंद्र जब बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने त्रिशंकु को देखा कि वो स्वर्ग के गेट पर आ गया है, तो उसने उसे धक्का दे दिया था। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो हम इसको के सर्कल में ट्रू का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल लेटर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, त्रिशंकु फेल डाउन टू द ग्राउंड। त्रिशंकु नीचे गिर जाता है, त्रिशंकु जमीन पर नीचे गिर जाता है क्या, कहाँ गिर जाता है, उसको तो साधु नीचे गिरने ही नहीं देते, वो डायरेक्ट ऊपर उसी को रोक दिए थे वहीं पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सर्कल में हम जो है कि फॉल्स का फर्स्ट लेटर एफ ऐड कर देंगे। आपको समझ में आया, यही आपका जो है कि होमवर्क भी रहेगा। आप इसको अपनी सेपरेट कॉपी में लिखिए और इसको याद भी करिए। हम दोबारा से देख लेते हैं। ए, किंग त्रिशंकु हैड अ डिज़ायर टू गो टू हेवन, ट्रू। बी, सेज विश्वामित्र डिड नॉट हेल्प हिम टू फुलफिल हिज डिज़ायर, फॉल्स। सी, विश्वामित्र परफॉर्म्ड अ यज्ञ, ट्रू। डी, इंद्र थ्रू त्रिशंकु डाउन टुवर्ड्स अर्थ, ट्रू। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, त्रिशंकु फेल डाउन टू द ग्राउंड, फॉल्स। आपको समझ में आया, आई होप यू अंडरस्टूड। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आप इस वीडियो से हेल्प ले करके और अपने पेरेंट्स से हेल्प ले करके आप अपनी सेपरेट कॉपी में इसे नोट करिएगा और लर्न भी करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।